देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने की मांग हमेशा से उठती रही है। भारत ने कई बार स्थायी सदस्यता की भी मांग की, लेकिन अभी तक वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य ही है। अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टॉनी अबॉट ने भी संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग की और भारत की मांग का समर्थन करते हुए उसे जायज ठहराया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई ऐसा देश है जो अपनी सैन्य ताकत से है और उसकी आर्थिक क्षमता है, तो वो भारत ही है जिसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दावा पुख्ता है। गौरतलब है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के उन प्रारंभिक सदस्यों में शामिल था जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे और 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भी भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है और चार्टर के उद्देश्यों को लागू करने और संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं तो वहीं बाकी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 10 सदस्य अस्थायी होते हैं वो लगातार 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। इसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों के लिए 2-2 सीटें चुनी जाती हैं। एशिया पैसिफिक देशों में से 2 सदस्य देशों को चुना जाता है। सुरक्षा परिषद में जो 5 सदस्य स्थायी हैं उसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनेगा। इससे पहले भी वो 7 बार इस श्रेणी में शामिल हो चुका है। इसके पहले भारत 1950 से 51, 1967 से 68, 1972 से 73, 1977 से 78, 1984 से 85, 1991 से 92 और 2011 से 12 यूएनएससी का स्थायी सदस्य रहा था। 2011-12 में हरदीप सिंह पुरी यूएन में भारत के प्रतिनिधि थे, जो अब मोदी सरकार के मंत्री भी हैं। भारत लंबे समय से इस कमेटी में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, जिसको लेकर चीन अड़ंगा लगाता रहता है, लेकिन चीन के अलावा लगभग सभी दूसरे देश भारत के समर्थन में ही हमेशा रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।